हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई नो समर बहुत ज़्यादा है एंड येस, आपको अपनी स्किन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा होगा। बट कल परसों ही मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो किसी ने मुझसे बोला कि दी, मुझे इस समर में बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं या फिर मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसके लिए कुछ सोल्यूशन बताइए। सो एज़ यू नो, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मैं हर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको ये दो बड़ी प्रॉब्लम से मैं छुटकारा दिलाने वाली हूँ। फर्स्ट एक्ने एंड ये सेकेंड पिगमेंटेशन। आज के वीडियो में दोनों का आपको काफ़ी अच्छा सोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ब्यूटीज़, यू नो कि गर्मी आते ही एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अगर मैं यहाँ पे, मैं क्योंकि पुणे में रहती हूँ, इस बार पुणे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई मुझे पिंपल्स आना शुरू हो गए एंड पिंपल्स के बाद वो एक्ने, मतलब पिंपल्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जो वो निशान रह जाते हैं उसको हम एक्ने बोलते हैं, वो मेरे स्किन पे काफ़ी लंबे टाइम तक रहने लगे। बल्कि कुछ कुछ तो ऐसे एक्ने हैं जो 2-3 महीने पहले पिंपल्स आए थे उसके भी अब तक मेरी स्किन पे है। तो मुझे लगा कि अब इसका सोल्यूशन ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने ट्राई करना शुरू किया ये फिक्स डर्मा एंटी एक्ने फेस सैरम। ये बिल्कुल मेरे स्किन के लिए वरदान साबित हुआ। यू कैन सी माई स्किन राइट नाउ कितनी ज़्यादा क्लियर है बिकॉज ऑफ दिस एंटी एक्ने सैरम। ने ना मेरी स्किन में जितने भी एक्ने थे या फिर अभी भी जितने भी पिम्पल्स थे ना, सबको बहुत अच्छे से यहाँ पे रिमूव कर दिया है। अगर मैं बात करूँ इसमें आखिर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट है जो इतने अच्छे से कमाल कर रहे हैं, इसमें है सैलिक्लिक एसिड, इसमें है एजोलिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड एंड यस नियासिनामाइड। ये चारों चीज़ें मिलकर के आपके स्किन से जितने भी एक्ने की प्रॉब्लम है सबको रिमूव करती है। केवल एक्ने ही नहीं, ये आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को कम करती है, आपके ओपन पोर्स को यहाँ पे मिनिमाइज कर रही है एंड आपके स्किन में जो ऑयल है ना उसको बैलेंस करती है। क्या होता है, जब ऑयल आपके फेस पे एक्स्ट्रा होने लग जाता है तब आपको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सैरम आपके स्किन के ऑयल को भी बैलेंस करता है। ये हर टाइप के स्किन को अच्छे से सूट करता है क्योंकि मेरी ना थोड़ी सी ड्राई स्किन है, स्टिल ये मुझे काफी अच्छे से सूट कर रहा है। ड्राई स्किन होते हुए भी गर्मियां आते ही मेरी स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम तो बस आ ही जानी है। तो मुझे तो ये क्रीम बहुत अच्छी लगी एंड इसके इंग्रेडिएंट्स, जैसा कि मैंने बताया वो चार इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपको लिख के मेंशन हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे से आपके स्किन को यहाँ पे ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ ये यहाँ पे अल्कोहल फ्री, पैराबिन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट है। फिक्स डर्मा के प्रोडक्ट ऑलरेडी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो ये इन सब से फ्री है। इसके साथ आपको ये एलर्जी फ्री भी है, बट स्टिल अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें। कोई भी क्रीम है, चाहे आप दुनिया की कोई भी क्रीम को यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, तो हमेशा एक बार पैच टेस्ट ज़रूर किया कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पे पैकेजिंग की, यू कैन सी सच अ क्यूट बॉक्स इज हेयर। ये यहाँ पे आपको 15 ग्राम का बॉक्स मिल जाता है जिसके लिए आपको पे करना होता है केवल 565 रुपीज़। ये है यहाँ पे आउटर पैकेजिंग जो कि काफ़ी कमाल की है। इनर पैकेजिंग आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की मिल जाती है, ये तो और भी ज़्यादा क्यूट है। जस्ट लुक एट दिस, वेरी ट्रेवल फ्रेंडली। 15 ग्राम का ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। जो जो आपका मेन पैकेट पे मेंशन था वो सेम चीज़ें आपको इस पे भी मेंशन हो जाती है। ये पंप में आ जाता है, आपको इसको डायरेक्टली हैंड से लेके अपने फेस पे अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूँ ये एक्ने सैरम को यूज़ करने की, तो बस अगर आपको फेस पे, मतलब किसी किसी पार्ट पे एक्ने है या पिंपल है, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली उस पार्ट पे अपने हैंड्स की हेल्प से, फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है नहीं आपके पूरे चीक्स पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, एक्ने है, तो बिल्कुल आप पूरे फेस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, केवल 565 रुपीज़ आपको इस सैरम के लिए पे करना है एंड यू कैन गेट दैट ग्लो जो कि आपको मेरे स्किन पे दिख रहा है। पूरा एक्ने फ्री स्किन आपको मिलने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि मेरी भी प्रॉब्लम थी। मैंने मतलब बहुत बार शेयर किया होगा आप लोगों से कि आफ्टर डिलीवरिंग माई फर्स्ट बेबी, मतलब मेरी बेबी को डिलीवर करने के बाद, मुझे जब मैंने सडनली वेट लूज़ किया तो मुझे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई। मतलब आई नो अब बहुत कम हो गया है, मैं आपको रीज़न बताऊँगी क्यों, बट मुझे हर कोई टोक देता था कि तुम्हारी स्किन पे छाइयाँ हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गई है। तो मैंने उसके लिए कितने क्रीम्स चेंज किए, कितने DIYs किए होंगे आई डोंट नो, बट
फाइनली मुझे उसका भी सोल्यूशन मिल गया, जो कि है यहाँ पे ये फिक्स डर्मा पिगमेंट करेक्शन फेस सेरम। दिस वर्क्स लाइक वाव सीरियसली। अब मैं आपको बता दूँ, इसमें है यहाँ पे टेनेक्सामिक्स एसिड, पाइथिक एसिड एंड मोरस एल्बा एक्सट्रैक्ट, ये तीनों यहाँ पे आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि आपके पिगमेंटेशन को कम करता है, आई मीन हाइपर पिगमेंटेशन को, एक्ने के स्पॉट्स को कम करता है एंड साथ में आपके पूरे स्किन को एक इवन टोन देता है जीएस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, मेरा ये वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया था एंड ये वाला पोर्शन कुछ अलग दिखने लगा था, तो इसने मेरे स्किन को पूरा इवन टोन किया है, यू कैन सी हियर। इसके साथ साथ जो आपकी नेचुरल स्किन है जो कि दब गई है बिकॉज ऑफ टैनिंग, बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन, उसको भी ये निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ये भी सेफ एंड इफेक्टिव है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड ऑल स्किन को अच्छे से सूट करता है। बट स्टिल एज आई टोल्ड यू, कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें, तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा इसको यूज़ करने से पहले। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है केवल 685 रुपीज़ फॉर 15 ग्राम प्रोडक्ट। और अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, यू जस्ट लुक एट दिस, ऑलमोस्ट सेम पैकेजिंग है, इस तरीके का आपको कार्डबोर्ड मिल जाता है, सब कुछ मेंशन है, इंग्रेडिएंट एंड ऑल, प्राइस सब कुछ। एंड इसके बाद आपको मिल जाती है ये क्यूट सी ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल, जस्ट लुक एट दिस। मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लगी ना ये, मतलब ओपन करते ही दिल आ जाता है कि यस, इसको तो बैग में रखना ही रखना है। तो ये आपको पंप के साथ मिल जाता है। इन दोनों क्रीम को यूज़ करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इसके 2-3 ड्रॉप्स आपको अपने हैंड्स पे लेने हैं एंड पूरे स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब करते हुए अप्लाई कर देना है। और यस, आपकी स्किन इससे पहले आपने वॉश की हुई हो, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यूज़ करना इज़ वेरी इजी, जैसे आप अपने रेगुलर सेरम को यूज़ करते हैं, बस उसी तरीके से आपको ये पिगमेंट करेक्टिंग सेरम को भी यूज़ करना है। तो ये था यहाँ पे आपके दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे वो एक्ने हो चाहे वो पिगमेंटेशन हो। दोनों की लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे एक्ने की, पिंपल्स की, अनइवन स्किन की या पिगमेंटेशन की, तो बिल्कुल आप फिक्स डर्मा एंटी एक्ने फेस सेरम और फिक्स डर्मा पिगमेंट करेक्टिंग फेस सेरम यूज़ कर सकते हैं। दोनों काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। दोनों की प्राइस, एवरीथिंग मैंने सब कुछ इस वीडियो में शेयर कर दिया। स्टिल अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे और भी अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन